oh ततो तथाव राण सराजों गुरुरर्चित अभ्यनुज्ञाप्य निवेशनात्। ततः इसके बाद यथावत राज्यो गुरु अर्चित तो कह रहे तत इसके बाद राज्य जो भावी राज्य हैं अर्थात श्रीराम उस रामेण उस राम के द्वारा स स मतलब महर्षि वशिष्ठ गुरु स गुरु अर्चित अर्चित हुए अर्थात भावी राजा राम के द्वारा गुरु वशिष्ठ सम्मानित हुए अर्चित हुए पूजित हुए उन्होंने पूजा की उनकी अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थम और ये सब श्री राम को व्रत अनुष्ठान के बारे में बताकर उसके नियम के बारे में बता करके के सब अभ्यनुज्ञाप्य सब उनको बता करके राम निवेशनाथ यय वशिष्ठ श्री राम के भवन से चले गए गते पुरोहिते स्नातो नियतमानसह सह, सह पत्न्या विशालाक्ष नारायण मुगमत एक वशिष्ठायात्र प्रति विबु्य सह पूर्वां संध्याम् उपासीनो जजाप यतमानसह ततः पौरजन सर्व श्रुत्वा रामाभिषेचनम् प्राभातां रजनीं दृष्ट्वा पुरीं कृतपुष्पोपहारश्च धूपगंधाधिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरे रामाभिषेचने सभासु सूचैव सर्वाजू वृक्षे स्वालक्षितेशुच ध्वज समरुच्छिताश्चित्राः पताकाश्च भमस्तदा अलंकरं पुरस्यैवम् कृत्वा तत्पुरवासिनः आकांक्षमानारमस्य यव राज्याभिषेचनं गते पुरोहिते तो इस प्रकार पुरोहित के चले जाने पर अर्थात महर्षि वशिष्ठ के राम के भवन से चले जाने पर नियत मानस राम स्नात नियत है मानस जिसका नियत मतलब जो चलायमान नहीं है हिलडुल नहीं रहा है स्थिर है नियत है चित्त जिनका मन जिनका ऐसे श्री राम ने स्नात स्नान किया जिनकी बीए तक की शिक्षा पूरी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं और एम की हो जाए तो, तो स्नातक का मतलब होता है स्नान किया हुआ तो जिसने स्नान नहीं किया वो व्यक्ति कैसा होता है अशुद्धि से युक्त होता है और स्नान करने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है शुद्धि से युक्त हो जाता है तो स्नातक उसको कहते हैं जिसने अपने चित्त के अपने मन के सब अशुद्धियों को धो डाला है जब तक उसने डिग्री पूरी की तब तक उसने अपने चित्त से अपने मन से अपने हृदय से सब बुरे भावों को बुरे विचारों को अज्ञान को धो डाला हटा दिया उसको स्नातक कहते हैं अब बाहर तो जो जब उसने कॉलेज में प्रवेश किया था उस समय उसका चित्त उसके विचार जैसे थे और जब तक बीए की तब तक तो बहुत कचरा इकट्ठा कर लिया होता है कोई बीड़ी पीना सीख जाता है कोई सिगरेट पीना सीख जाता है कोई शराब पीना सीख जाता है कोई इधर उधर किसी से प्रेम में पड़ जाता है कोई इधर उधर अपने माता पिता को अनपढ़ समझ के और अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ के उनका अपमान करने लग जाता है तो वो स्नातक की बजाय और ज़्यादा गंदा हो जाता है उसका चित्त भाव विचार आदि लेकिन वास्तव में स्नातक का मतलब है जिसने अपनी अशुद्धि को धो डाला है शिक्षा से शिक्षा होती ही वो ही है शिक्षा किसके लिए होती है जो मुक्त कर दे गंदगी से व्यक्ति को सा शिक्षा या विमुक्त सा विद्या या विमुक्त विद्या वो है जो मुक्त कर दे व्यक्ति को शिक्षा वो है जो उसको स्नान किया हुआ व्यक्ति कितना फ्रेश और कितना प्रसन्न होता है ऐसा स्नातक यदि है तब ठीक शिक्षा है और यदि ये चित्त की स्थिति नहीं हुई जैसे स्नान करने के बाद शरीर की जो स्थिति होती है ऐसे ही पूरी अपने डिग्री होने के बाद चित्त की यदि ऐसी स्थिति है तब तो हो गया स्नातक और ऐसी नहीं है तो फिर वो नाम का स्नातक हुआ तब और पर स्नातक परास्नातक उससे भी एक डिग्री ऊपर जिसने और अच्छे से अशुद्धियों को मिटाया है एक तो हो गया स्नान और एक तो हो गया महास्नान शाही स्नान बोलते हैं ना कुंभ आदि में बोलते हैं क्या संतों का क्या है शाही स्नान है तो परास्नातक का मतलब है शाही स्नान केवल स्थूल दोषों को ही नहीं डाला अपने चित्त से जो सूक्ष्म उसके संस्कार थे उनको भी धो डाला तो इसलिए अंग्रेजी में तो उस व्यक्ति को बोलते हैं मास्टर में करते हैं ना मास्टर ऑफ आर्ट और एम एस सी मतलब मास्टर ऑफ साइंस तो अंग्रेजी में उसको मास्टर बोल देते हैं मास्टर मतलब स्वामी वे उस उसका अधिकार हो गया उसके ऊपर और संस्कृत में हिंदी में बोल देते हैं उसको परास्नातक माने जिसने शाही स्नान कर लिया है तो यहाँ पर जो स्नातः शब्द आया है तो ये दोनों ही प्रकार से श्री राम बाहर से भी हो सकता है उन्होंने स्नान किया हो उपवास के प्रारंभ में और दूसरा उन्होंने नियत मानस क्योंकि उनका मानस नियत है इसलिए वो अंदर से भी क्या है स्नात स्नान किए हुए अर्थात अशुद्धि का नाश किए हुए तो उन्होंने स्नान किया अपने चित्त में जो भी कोई छोटी मोटी अशुद्धियाँ थी उन सब को भी उन्होंने हटा दिया हम सब भी ऐसे ही करते हैं जब आप किसी अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं तो ये सोचते हैं ना भाई अभी नवरात्र चल रहे हैं तो भाई अभी नौ दिन कुछ भी दोष करना नहीं है कम से कम चित्त के स्तर पर कोई भूल करनी नहीं है कोई पाप करना नहीं है इसलिए नवरात्र में लोग शराब पीना छोड़ देते हैं जो कभी कभी पीते थे बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ देते हैं कुछ अंडा मांस खाना छोड़ देते हैं कुछ लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं भी सात्विक आहार लेंगे कुछ बहुत देर तक सोते रहते थे तो जल्दी उठना शुरू करते हैं कुछ जमीन पर सोना शुरू कर देते हैं तो ये सारी चीजें उपवास में सहायता देती हैं इसलिए लोग करते हैं हमारी अशुद्धियों को दूर करने में ये सहायक बनती हैं तो यहाँ पर श्री राम ने भी उसका पालन किया नियतमान स्नात गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने स्नान किया मानो कोई छोटी मोटी भी कोई त्रुटि थी कहीं प्रमाद था जीवन में तो इन्होंने संकल्प ले लिया हमारे जीवन में कोई छोटे मोटे दोष होते हैं प्रमाद होते हैं तो फिर किसी दिन कोई व्रत उपवास करना होता है तो हम संकल्प लेते हैं। आज मेरा एकादशी का व्रत है तो ये संकल्प ही ये सोचना ही उस व्यक्ति को उस दिन कम से कम पाप से दूर रखेगा और यह व्रत उन्होंने अकेले नहीं किया बल्कि सह। विशाल है आंखें जिसकी ऐसी पत्निया ऐसी पत्नी सीता माता के सहित नारायणम उपागमत नारायण को उन्होंने नारायण में उन्होंने अपने चित्त को लगाया उनको उनके साथ अपना संबंध जोड़ा अर्थात भगवान की उपासना में बैठ गए दोनों तो ये भी सीखने जैसी बात है कोई नई उपलब्धि है कुछ नया एक संस्कार हो रहा है तो व्यक्ति को ज्यादा समय किसमें लगाना चाहिए उपासना में उपवास में और आजकल कोई फंक्शन है कुछ नया संस्कार होना है तो ज्यादातर समय किस में लगता है ज्यादातर समय जिनका संस्कार होना है उन व्यक्तियों का उनका ज्यादा समय किसमें लगता है ब्यूटी पार्लर में क्योंकि उन्होंने चला रखा है इसलिए पता है कि वो आकर के बैठ जाते हैं <laughs> तो यहाँ ये किसमें लगा रहे हैं व्रत उपवास में बाहर की शुद्धता नहीं करते नहीं अंदर अगर कोई दोष रहे तो इस बहाने से ही कम से कम सफाई हो जाएगी तो इसीलिए तो ये सारे अनुष्ठान बनाए हमारे ऋषियों ने कभी सत्यनारायण का व्रत कभी एकादशी का व्रत कभी कोई और दूसरा तीसरा व्रत कभी नवरात्र का व्रत ये सारे कि अगर वैसे मनुष्य नहीं करेगा तो इस बहाने से ही कम से कम वो कुछ थोड़ा बहुत अपनी शुद्धि कर लेगा तो अच्छा इसका कल्याण हो जाएगा तो ये जो भी पर्व आदि आते हैं अनुष्ठान आदि जो भी बनाए हैं तो उसका उस बहाने से कम से कम हो जाए और सोलह संस्कार दयानंद ने बता दिए तो कम से कम सोलह बार जब जब संस्कार हो तो व्यक्ति को एक खास उपवास उपासना आदि में लगाना चाहिए अपने चित्त को तो ऐसा ही श्री राम ने किया एक यावशिष्टाया रात्र विबु्य सह पूर्वाध्यानो जनस यत यतमानसः यति यतमान है मानस जिसका जुड़ गया है मानस जिसका ईश्वर के साथ उसको कहा यतमानसः सह, सह सह मतलब राम उन श्री राम ने एक याम अवशिष्टायां जब रात्रि का एक याम अवशिष्ट था याम होता है तीन घंटे का पीरियड चौबीस घंटे में कितने याम होते हैं आठ प्रार्थना करते हैं ना प्रभु हर पल आठों याम रुके ना मन के मन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तो हर पल और आठों याम जो मन का जो मन का है एक तो माला के मन के हैं और एक मन का मन का है मन रूपी मन का तो वो कभी भी ना रुके ऐसी प्रार्थना की जाती है तो ये एक याम एक याम अवशिष्टयाम रात्र्याम रात्रि का जब एक याम अवशिष्ट रह गया था अर्थात सूर्योदय होने में जब तीन घंटे बाकी थे तो इसका मतलब क्या टाइम रहा होगा तीन चार बजे का टाइम रहा होगा क्योंकि सर्दी में सात बजे सूर्योदय होता है गर्मी में छह बजे हो जाता है तो तीन चार बजे ये प्रति विबु जग गई इनको उपवास करना था उपासना करनी थी तो एक याम जब रात्रि शेष बची तब उठ गई तो जिनको खास उपासना आदि करनी है तो देखो रामायण भी इस बात का संकेत कर रही है कि ये समय सबसे अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त का उस समय सब लोग लगभग लगभग सोए रहते हैं तो जिस जिस के मन की जो जो चंचलताएं हैं जो तरंगे हैं वाइब्रेशन हैं वो उस समय शांत रहते हैं उस समय जैसे 12 एक बारह बजे तक एक बजे तक कुछ निशाचर हैं वो रात को ही जगते हैं तो उससे भी ज्यादा मतलब कम से कम एक दो बजे का टाइम ऐसा है कि जब सब सो जाते हैं जो निशाचर थे वो भी सो जाते हैं उस समय तो लगभग लगभग 99 परसेंट लोग तीन बजे सब सोए मिलेंगे आपको निशाचर भी और जो दिन में सोने वाले थे वो भी तो वो टाइम उपासना आदि के लिए सबसे श्रेष्ठ माना है शास्त्रों में तो इसलिए ये उस समय में उठ गए श्री राम और सीता माता एकयाम याम अवशिष्टायाम प्रति विबुद्ध सह पूर्वाम संध्याम उपासी पूर्वम संध्या पूर्व संध्या को माने संध्या से पहले ही यत्मानसह जजाप उन्होंने जप किया संध्या से पहले जाप किया उन्होंने और अपनी वाणी को और अपने मन को शुद्ध करने का कलयुग में खास करके बहुत ऐसे सिद्धों ने महात्माओं ने बताया सबसे सरल उपाय है जाप करो दोनों चीजें एक साथ पवित्र होती हैं मन भी और वाणी भी क्योंकि ज्यादा दोष वाणी से होते हैं हमारे तो वाणी को पवित्र करने का एक ही तरीका जाप करो और मन को भी धो डालने का एक ही तरीका जाप करो और वो जाप करने में जपस तदर्थ भावनम हो जाए तो सोने में सुहागा है अगर वो भावना भी साथ साथ चलती रहे तो फिर तो कहना ही क्या है और किसी को अर्थ नहीं आता है तो भी एक ऐसी श्रद्धा बना के कि जो मैं मंत्र का पाठ कर रहा हूँ इसका ये पाठ करने का मेरा मकसद है अपने चित्त को स्वच्छ बनाना ये भाव रख करके यदि वो केवल उसका उच्चारण करता है तो भी उसको लाभ होता है और कोई भाव मन में नहीं है और ऐसे मशीन की तरह बोल रहा है तो तब वो तो टेप रिकॉर्डर जैसे हो जाएगा फिर तो वो ध्वनि से कुछ वाइब्रेशंस तो पैदा होंगे अच्छे वाइब्रेशन सी पैदा होंगे लेकिन जब आपको वही काम करके सौ रुपए मिल सकते थे तो दो रुपए क्यों कमाते हो काम बराबर ही है उसको अच्छे भाव से करेंगे चाव से करेंगे श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो उसी काम को करने में आपको सौ रुपये मजदूरी मिलेगी और उसको बिना श्रद्धा के बिना भाव के मशीन की तरह करेंगे तो दो मिलेंगे तो कितना अंतर हो गया देखो सौ और दो का तो बहुत बड़ा अंतर है तो हमें कौन सा काम कैसे करना चाहिए सो वाला ही करना चाहिए तो इसलिए इन्होंने भी जजाप इन्होंने भी जप प्रारंभ कर दिया और जब भी प्राचीन काल में तो जो हमारे ये मंदिर आदि का जो डिजाइन बना है या यज्ञशाला आदि का तो ऐसे वो गोल बनाते हैं ना या तो गोल बनाते हैं गुंबज टाइप और या तो फिर वो पिरामिड टाइप बनाते हैं तो उस वो भी बड़े साइंटिफिक रीजन है ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई डिजाइन किसी के मन में आ गया और फिर सारे मंदिर ऐसे बना दिए ऐसा नहीं है उसके पीछे भी एक विज्ञान है क्योंकि वो जो आपकी ध्वनि है वो वहां से टकरा करके फिर प्रतिध्वनि के रूप में आपके ही सिर पे आती हैं फिर वो वाइब्रेशन दोबारा तो ये बात जो है ऐसे चौकोर में उतना नहीं होगा जितना राउंड में और पिरामिड में हो सकता है तो ऐसे बनाई तो इसके पीछे एक विज्ञान है तो उस समय श्रद्धा पूर्वक मतलब लगातार जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल भी मिस किए बिना और सुबह सुबह तीन बजे उठ करके तीन या पांच गायत्री की माला का जाप करे ऐसे लगातार तीन वर्ष करे तो निश्चित रूप से उसके चित्त की सब अशुद्धियों का नाश हो जाता है मिस नहीं करना लेकिन एक दिन भी और तीन बजे ही उठ के करना और किसी ऐसे स्थान पे करना जो पवित्र स्थान है जहाँ दिन में भी कोई कलह कलेश नहीं होता है शोर शराबा नहीं होता है और कभी वहाँ बैठते हैं तो अच्छी ही चर्चा होती है ऐसे स्थान में बैठ करके करें क्योंकि स्थान की भी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं या फिर ऐसी नहीं कोई स्थान मिले तो खुद बनाना है अपनी भावना से ऐसे स्थान को अपने घर का कोई एक कोना हमेशा बना सकते हैं घर के भी जैसे चार पांच कोने हैं तो सब कोनों की अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं बाथरूम की अलग हैं टॉयलेट की अलग हैं रसोई घर की अलग हैं उसी घर में मंदिर है तो उसकी वाइब्रेशंस अलग हैं अलग अलग जगह बैठ करके मन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है तो कहीं ऐसा स्थान बाहर ना मिले तो अपने घर में ही बना लें एक कोने में अपने कमरे में ही बना लें। आप गुरुकुल में रहते हैं तो गुरुकुल में अपना कोई एक स्थान तय कर लें कि किया करेंगे और फिर उसको प्रयास पूर्वक क्योंकि कल इन्होंने बताया था कि ऐसे जो कार्य होते हैं उनमें विघ्न बहुत आते हैं जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनमें विघ्न बहुत आते तो उन विघ्नों को हटाने के लिए व्यक्ति ये जब से उपासना से एडवांस में ही अपनी शक्ति को बढ़ा ले ताकि जब वो विघ्न आए तो ये व्यक्ति उससे पराजित ना हो विघ्नों से जो समझदार लोग होते हैं वो बारिश आने से पहले ही अपनी छत की रिपेयरिंग करवा लेते हैं ऐसा नहीं कि बारिश आएगी फिर थोड़ा पानी चुएगा फिर मिस्त्री को बुलाएंगे फिर ठीक कराएंगे तब तक तो बारिश चली जाएगी तो जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता आएगी तब हम भगवान को याद करेंगे तब शक्ति बढ़ाएंगे फिर प्रतिकूलता को बढ़ाएं भगाएंगे तो इतना आप करोगे तब तक तो प्रतिकूलता आपको नष्ट करके जा भी चुकी होगी क्योंकि वो किसी से पूछ के नहीं आती हैं कि हमें बताओ कौन से साल में आना है कौन से महीने में आना है कौन सी ऋतु में आना है ऐसे कोई प्रतिकूलता किसी से अनुमति मांगती नहीं है वो तो ही जाती है जब आनी होती है तो तो इसलिए जब तक नहीं आई है तब तक व्यक्ति को जब उपासना आदि करके अपनी उन शक्तियों को संचित करके रहना चाहिए और किसी ना किसी शक्ति के साथ अपना एक संपर्क बना के रखना चाहिए बोलते हैं ना भाई कोई अच्छा मित्र बना के रखो जीवन में क्यों क्योंकि समय आने पे वो काम आएगा तो इसलिए संसार में कोई ऐसा मित्र मिले तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो भगवान को अपना मित्र बना लो किसी ऐसी दिव्य शक्ति को अपना मित्र बना लो गायत्री माता को अपना मित्र बना लो किसी भी शक्ति को ऐसा दिव्य शक्ति को किसी ऋषि को अपना मित्र बना लो महर्षि पतंजलि को मित्र बना लो वाल्मीकि ऋषि को अपना मित्र बना लो राम को बना लो कृष्ण को बना लो शिव को बना लो तो मित्र का मतलब क्या होता है जैसा उसका जीवन था उसी कैटेगरी का हमारा जीवन हो और फिर कोई मुसीबत आए तो हम उससे हेल्प भी ले सकते हैं हमारा संबंध है तो और नहीं तो नए-नए जा करके कि किससे हेल्प मांगोगे पहले से ही किसी धनवान व्यक्ति के साथ आपका संपर्क है तो जिस दिन आपको धन की आवश्यकता होगी आप उससे जाकर मांग लाओगे और है ही नहीं किसी धनवान व्यक्ति से संपर्क सारे निर्धन के निर्धनीय सारे मित्र तो फिर यह व्यक्ति निश्चिंत नहीं हो सकता है कि भाई जीवन में कभी कोई आर्थिक तंगी आएगी तो मेरे पास कोई संबल है ऐसा नहीं होता उसके मन में विश्वास और जब श्री राम जैसे व्यक्ति जो इतने गुणों से संपन्न है जिनके पास इतना सामर्थ्य है शारीरिक बौद्धिक मानसिक पारिवारिक आर्थिक चारित्रिक सब प्रकार का सामर्थ्य और वो व्यक्ति भी जब एक याम के पहले उठ के उपासना कर रहे हैं जाप कर रहे हैं तो आप सोचो हमें तो कितना ज्यादा करने की जरूरत है और हम तो क्या करते हैं जब गायत्री यज्ञ होता है लगभग एक घंटा होता है तो एक घंटे में भी हम मुश्किल से 10-15 मिनट तो बोल पाते हैं उसके बाद हम चुप हो जाते हैं हम आँख बंद करके बैठ जाते हैं तो हम अपने टेस्टिंग कर सकते हैं उस समय कि मैं तो एक घंटा भी जाप नहीं कर पा रहा हूँ और बिना जाप के तो मैं कितना बोलता हूँ पूरे दिन भर तो ये तो वाणी का दुरुपयोग है दिन भर तो चुप रहना चाहिए व्यक्ति को और जब कोई जप आदि करने का ऐसा अवसर मिले तो प्रयास पूर्वक ज्यादा करना चाहिए रुकना नहीं चाहिए क्योंकि उससे फिर हमारा चित्त भी और हमारी वाणी भी दोनों शुद्ध होते हैं तो उससे हमारी एक संपत्ति अर्जित हो रही है कमाई इकट्ठी हो रही है उस समय तो श्री राम जैसे व्यक्ति भी उस अनुष्ठान को कर रहे हैं तो इन्होंने पूर्वाम संध्याम उपासीनो यत मानस जजाप ततः पौरजन सर्व श्रुवा राषेचनम प्रभाता रजनी दृष्ट चक्रेशो अब पूर्ववासियों को भी बड़ी खुशी हो रही थी जो अयोध्यावासी हैं पौरजन हाँ। पौरजन मतलब पुरी में रहने वाले जन उनको कहा पौरजन तत सर्व पौर पुरी के जो सब लोग हैं वो शुत्वा रामाभिषेचनम राम का अभिषेक होना है ऐसा समाचार सुन करके रजनीम प्रभाताम दृष्टवा अब ये रात जा रही है प्रभात आ रही है ऐसा देख करके पूरी शोभय चक्रे पूरी को सजाना शुरू कर दिया उन्होंने उसकी उसको सुशोभित करना शुरू कर दिया एक उत्सव हो रहा है हमारी नगरी में हमारे श्री राम को युवराज का पद मिलेगा जो इतने योग्य हैं जो सर्वथा उस पद को सुशोभित करने वाले हैं तो ये कितना हर्षित करने वाला समाचार है तो सब लोग उसको सजाने में लग गए अपनी पूरी को कृतपुष्पोपहारस् धूपगंधाधिवासी राजम कृत श्रीमान पौरे राषेचनेष्पोपहारोई तो पुष्प लगा रहे हैं कोई उपहार लाल इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने राजा को हम भेंट देंगे उपहार देंगे कृतपुष्पोपहार गंध धूपगंध अधिवासी कोई धूप जला रहे हैं सुगंधित कोई ऐसा सुगंधित पदार्थ वहाँ पर रास्तों के ऊपर छिड़क रहे हैं अपनी नगरी में राजमार्ग कृत श्रीमान और राजमार्गों को उन्होंने कैसा बना दिया श्री से युक्त स्त्री का मतलब है यहाँ पर शोभा शोभा से युक्त बना दिया उन्होंने पौरई पूर्ववासियों ने राजमार्ग को जो अयोध्या के रास्ते थे उनको भी सजा दिया तो कुछ पर्व ऐसे आते हैं जिनमें लोग अपने घरों को तो सजाते ही हैं साथ साथ रास्तों को भी सजाते हैं उनकी भी सफाई करते हैं जैसे एक पर्व आता है संक्रांति तो उसमें गाँव में ये प्रथा थी कि उस दिन पूरे गाँव में झाड़ू लगाते हैं सुबह उठ करके सर्दी होती है ना उस समय तो एक तो सर्दी उतर जाती है तो सब उनमें जो रास्ते होते हैं गलियारे होते हैं गांव के उसका कूड़ा इकट्ठा करके फिर उसको जला देते हैं फिर उसमें और लकड़ियाँ डाल देते हैं फिर उसके पास बैठ कर के वो अग्नि तापते हैं तो पूरा गांव उस दिन शुद्ध हो जाता है तो ऐसे इन्होंने भी इस राम के अभिषेक होने के पर्व के दिन सारी अयोध्या नगरी को अत्यंत सुशोभित किया सुगंधित चीजें वहां पर उन्होंने छिड़काव किया और धूप दीप पुष्प ये सब वहाँ पर लगाया उन्होंने सभासुचर्वासु वृक्षु आलक्षिषु च्वज समुच्छिताचिरा पताश्चाभमस्तदा सर्वासु सभासु सभी सभाओं में और वृक्षेशु और सब वृक्षों में जो भी वृक्ष थे नगरी में आलक्षिषु च जो ऊँचे ऊँचे वृक्ष थे उनमें भी ध्वज समुता ध्वज लगा दी झंडे लगा दिए सब जगह सब सभाओं में भी वृक्षों पे भी गलियारों में भी और चित्रा, हा, चित्रा ध्वजा समुचित रंग बिरंगे झंडे लगाते हैं ना नीला पीला तो झंडे लगा देते हैं कोई उत्सव होता है तो और पताकाश्च और जो अपने राज्य का ध्वज थी पताका थी उसको भी पताकाश्च अभवस तदा तो इस प्रकार से उन्होंने अपने नगरी को सुशोभित किया तो उसके बाद क्या हुआ तो कल पढ़ेंगे आज यहीं विराम लेते हैं ओ शांति शांति ही, श्री गुरुभ्यो नमः